आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। हमारी एलजी इंतजामिया से गुजारिश है कि इनके मांगों को पूरा किया जाए। हमारे पलमाड़ में जो भी पीएचई का सिस्टम जो है वो यही लोग चलाते हैं। जो परमानेंट जो मुलाजिम हमारे हैं सिर्फ दो या चार हैं, जो मतलब पूरा नहीं कर सकते इस सिस्टम को। जो सिर्फ हमारे जो यहाँ एचआर वर्कर्स हैं, जो डेली लेटर वर्कर्स हैं, वही इस निज़ाम को चलाते हैं, पीएचई के निज़ाम को चलाते हैं। हमारी गवर्नर इंतजामिया से, एलजी इंतजामिया से गुजारिश है कि इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, पूरी स्टेट पूरे यूटी में इनको मुस्तकिल किया जाए और इनकी जो भी पेंडिंग वेजेस हैं उनको वागुजार किया जाए। वसलाम। मैं ललिता देवी चेयरपर्सन ब्लॉक पलमाड़ से हूँ। हम आज यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आज पीएचई के डेली वर्कर, डेली लेटेड वर्कर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो ये रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन ये मेहनत करते हैं, इसी इन्हीं मुलाजमीन के साथ यहाँ पे हमारा पलमाड़ पानी से चला रहे हैं। पूरा पलमाड़ यहाँ इन्हीं मुलाजमीन से चल रहा है। और मैं गुजारिश करती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए और इन्हें मुस्तकिल किया जाए। जो भी एवेजेस इन्हें बकाया है उन्हें रिलीज किया जाए। ये मुलाजमीन 94 से पहले लगे हुए हैं, कहीं कहीं के 20 साल हो गए, कहीं के 30 साल, कोई 40 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई भी काम नहीं, मुस्तकिल नहीं हुआ है। ये क्या बात है कि ये इन्हें इतना सताया जा रहा है। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही अपील करती हूँ, बार बार यही अपील करती हूँ, इन्हें मुस्तकिल करें और जो बकाया वेजेस हैं और इन्हें रिलीज की जाए।